सराना के विधायक माने महेंद्र जी परमार साहब, ब्लॉक अध्यक्ष भाई आदरणी अजय सिंह जी ठाकुर साहब जो जनपद के अध्यक्ष भी है, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष घटी आदरणी रमेश चंद जी गुनावा जी, ब्लॉक अध्यक्ष उन्हें और मंडी उपाध्यक्ष आदरणी शंकर पटेल जी, हमारे कांग्रेस के नेता आदरणी विक्की यादव साहब, जिला कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष आदरणी सुबोध जी स्वामी साहब, आदरणी मरमट जी, आदरणी हमारे गज्जू बना, और जिनने हम लोगों को बुलाया वो हमारे बिजली आउटसोर्स संगठन के सभी पदाधिकारी, क्योंकि आप लोग जितने खड़े में एक का नाम लूंगा तो दूसरे कहेंगे हम लोग, इसलिए सभी मेरे सब साथीगण जिनने हम लोगों को यहाँ बुलाया, आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और आपने हम लोगों का जो सम्मान किया उसके लिए भी मैं हृदय से आपका धन्यवाद अदा करता हूँ। और जैसा मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नाते और हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी के निर्देश पे हमारे जो अभी वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी ने प्रदेश अध्यक्ष के नाते उन्होंने जो वचन पत्र दिया था उसमें आप लोगों का सीधा सीधा उन लोगों ने पहले हम लोगों ने आपके वचन पत्र हमारे वचन पत्र में आप लोगों को सम्मिलित कर लिया है। उसके लिए ज्ञापन पत्र नहीं बनाया है तो मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में वचन पत्र में ये 13.11 में वर्णित है बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बनाकर 60 दिन में उनका संविलियन विभाग में किया जाएगा। 47.16 में है कि जितने भी विभाग निगम आयोग मंडल जो भी है सरकारी संस्था है उसमें कार्यरत संविदा व आउटसोर्स कर्मचारियों को वरिष्ठता के आधार पर नियमितीकरण है ना समान काम समान पद और पेंशन स्कीम लागू की जाएगी। तो हमारी पूर्व रैली भोपाल की रैली में आदरणीय कमलनाथ जी भी आए थे और महेश भाई साहब ने हमारे धरने पे भी आए थे। तो आपकी कांग्रेस पार्टी ने हम लोगों को जो हमारी मांगे हैं उनको सम्मान देकर वचन पत्र रखा और उन्हें 60 दिवस में वो अपने वचन पत्र में पूर्ण करने का वादा किया है। तो हम आपको उस चीज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और हम ये निवेदन करना चाह रहे हैं जिस प्रकार 10 दिवस में किसानों का कर्जा माफ किया गया, 10 दिवस का बोल के 3 घंटे में किसानों का कर्जा माफ किया गया, उसी प्रकार हम आउटसोर्स कर्मचारियों हम बिजली आउटसोर्स कर्मचारी संगठन के कार्यक्रम मौजूद उपस्थित हुए और उन्होंने अपना कितनी समय दिया। चूंकि मान्यवर दोनों विधायक महोदय जी को कहीं कार्यक्रम में अर्जेंट जाना है इसलिए कार्यक्रम जल्दी से जल्दी हम कम समय सीमा में समाप्त करेंगे। अब ज्ञापन के साथ साथ परमार जी और मालवी जी से हम बिजली आउटसोर्स कर्मचारी संगठन के कार्यक्रम मौजूद उपस्थित हुए और उन्होंने अपना कितनी समय दिया। चूंकि मान्यवर दोनों विधायक महोदय जी को कहीं कार्यक्रम में अर्जेंट जाना है इसलिए कार्यक्रम जल्दी से जल्दी हम कम सीमित समय सीमा में समाप्त करेंगे। अब ज्ञापन के साथ साथ परमार जी और मालवी जी से